तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। दादी 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 क्या सो रही है अपने कमरे में? कोई काम है तो बता दो, मैं कर देती हूँ। ये रानिया भी ना, ये लड़की, बल्कि इसे लड़की कहना सारी लड़कियों की तौहीन है। ये चुड़ैल बनकर हमारे घर में दंतनाती फिरती रहती है, फालतू लोगों के साथ बैठकर मीटिंग्स करती रहती है। ये मोना भी तो है, इसे देखें, इसे मैंने कभी नहीं देखा किसी के साथ बैठकर मीटिंग्स कर रही हो। जब देखो चुपचाप बैठी होती है, किसी से बात नहीं करती। रानिया हर इंसान के साथ अपनी रिश्तेदारी बना लेती है, फजूल है बिल्कुल ये लड़की। यानी के मतलब के बड़े गिले हैं ना रानिया के बारे में, अब बिल्कुल पसंद नहीं करते ना उसे। तो उसपे कौन सी खुशी की बात है? तो नहीं समझोगे, बड़ी गहरी बात है। अब मोना को देखो, मोना को समझ आ गई, क्योंकि माशाल्लाह मेरी मोना बड़ी होशियार है, बात की गहराई तक उतर जाती है। तो इस घर में जिससे बात कर लो वो फिलोसोफर बन जाता है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, दादी आए तो उन्हें बता दीजिएगा, परेशान ना हो मेरे लिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे पीछे हमारी मोना सब कुछ संभाल लेगी। अरे दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, कुछ जंग लड़ दे या कुछ चोरी डाका डालने नहीं जा रहा, सब मैनेज कर लेगी। तो एंग्री बर्ड क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है रानिया पे। हमारे तो सारे तुक्के रॉन्ग निकले, यहाँ तो सीन ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है, सीन तो मेरा भी नहीं है। अरे बेरी हो गई है, इतनी तारीफ कर रहा था, मोना ये मोना वो नहीं सुना तूने? पागल लड़की, मेरी बात सुन, हौले हौले आगे बढ़ेगी, इसी तरह से तो स्टार्ट होता है। पक्का पक्का, गॉड प्रॉमिस। मैं सोच रही थी मैं जाके रेडी हो जाऊं क्या? हाँ और कितना रेडी होगी, थोड़ा सा लाशान लगा लूंगी तो अच्छी लगूंगी। बाप रे क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश लग रही है। आज तो तुम भी वाह वाह खुश लग रही हो। फिर मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कोई नई बात नहीं है। ज्यादा देर खुश नहीं रहती। इसको तो लगता है पता ही नहीं कि मैं इसके बारे में सोचता क्या। अगर आप गए तो मैं जाकर इसे बता दूँ। ओवर हो जाती है, बिल्कुल नहीं, पागल हो गई, ऐसी मिस्टेक ना कर, है जलन के मारे मुकाबले पे आ जाएगी तेरी। ऐसे लोगों को लव से विन करते हैं। हाय बस एक बार तेरा रिश्ता फाइनल हो जाए ना, मेरी सारी टेंशन रिमूव हो जाएगी। हम हाथ को कहूंगी आज कल में अशारे अशारे में अम्मा जी से बात कर ले। अम्मा जी राजी तो हमारी गेम डन। और हाँ इस सोशल वर्कर की हमदर्दी जीत, ये हेल्प करेगी तेरी महीर को जीतने में। मैं तो कहती हूँ कि एक टिकटॉक बना के भेज दो। पहले सेल्फी ले। सेल्फी? हाँ क्या हो गया ओ भाई? क्या हुआ है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हुई है ना, बता। क्या बताऊं यार तुझे, इफ्रा नाराज हो गई है कि लड़कियों की भी ना अजीब नफ्सियात होती है यार। मतलब जिससे मोहब्बत करती है उसी से खफा होती है, उसी को इग्नोर करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है यार, कुछ अजीब सी होती है। इग्नोर तो रानिया भी मुझे करती है, खफा भी रहती है, तो क्या रानिया भी मुझसे प्यार करती है? मुस्कुराने वाली क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, देख मेरी बात सुन, इन लड़कियों की साइकी ना मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तू ना इफ्रा को इग्नोर करना शुरू कर दे, उसकी कॉल मत उठा, नखरे दिखा उसको, उसके बाद देखना वो कैसे तेरे पीछे पागल होती है। भाई ये मशवर है ना, तो खुदा के वास्ते अपने पास ही रख, सही है? अगर तुझे किसी से मोहब्बत हुई होती ना तो फिर ये तकाजों की बात करता तू। अरे रूप ना खफा हो ना, महबूब का हक होता है, उसे मनाना आशिक का फर्ज होता है। क्या देख, बशपरा देने के लिए ना खुद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, तूने फिल्म्स में नहीं देखा, हीरो जब हीरोइन को नखरे दिखाता है हीरोइन उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती। तू मेरे मशवरे पर अमल करके देख, फिर देखना इफ्रा तेरे पीछे पागल कैसे होती। सिर्फ फिल्मी बातें करवा लो तुझसे यार, तू एक दफा करके तो देख, और अब ये अपना मुंह लटकाना छोड़, चिल कर।
काहे का चिल करें यार। कड़ाई ज्यादा ना स्पाइसी ना करना, बस गोश अच्छी तरह गला देना, क्योंकि वो चबाने में ना मेहनत करनी पड़े तो स्वाद नहीं आता। ठीक है, मुंह क्या देख रहा है मेरा, जा मेरा भरा जा, शाबाश। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फोन पढ़ा दे मेरा यार जल्दी। आए एक काम करता हूँ, वो खारिश वाला भी दे देता हूँ, गलती से हाथ पीछे जाएगा, एक तो वजन भी कम हो जाएगा और थक भी जाओगे, है ना? दे 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 दे। कहते तो खुजा दूं, यहाँ तक आ जाए। ओ ना 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 ना, मैं कर लूंगा खुद ही, कर लूंगा, जा तू। हमाद ये बंद करो मौसीकी, मैंने कोई अर्जेंट बात करनी तुमसे। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ओहो, मैंने कन्नों से सुनना। जी, तुमने अम्मा जी के पास जाकर महीर और मोना के रिश्ते की बात करनी। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मामला है, मुझे इस मामले से दूर रखो। अच्छा हमाद, ओ या अल्लाह, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस रिश्ते में कोई फायदा ही नहीं तुम्हारा। उस नक चढ़े खुद पसंद इंसान के साथ शादी करना कोई आसान काम नहीं है। मेरी बहन तैयार है इस कुर्बानी के लिए, और महीर नामी जहटू में कूदने के लिए भी रेडी है। हाँ तो उससे कहो कि कूद जाए, मगर मैं माजी से बात नहीं करूंगा, वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ, कसम से शहनशाह को समझा समझा के थक गया हूँ मैं। बेगम बेगम मेरी मेरी बात सुने, आराम से मेरी बात सुने, अगर मैंने माजी से बात की ना तो उनका जवाब मेरी बेइज्जती पे मबनी होगा ना। मोना तो अच्छी खासी चलाकू है, उससे कहो कि खुद कोशिश करके देख ले, हैं? महीर जैसे सीधे साधे लड़के को सेट करना उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना। तुमने भी तो मुझे सेट किया ही था ना, वो उसे कहो कि महीर को शीशे में उतार ले, मुझे बख्श दे, मैं माजी से बात मैं नहीं। जो मैंने कहना था वो कह दिया, तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूं, समझे? भूख लग रही है मुझे बहुत। माँ सदके बड़ा अच्छा किया तू आ गई, बड़ी याद आ रही थी तेरी। ठीक तो है ना तू? है ठीक है? हाँ माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। सुबह नाश्ते की टेबल पे चाचा जी कह रहे थे कि तुम इतने दिन से मैके नहीं गई, आपा याद कर रही होंगी जाके हो, और फिर ये खावर रेडी हो गया। खावर ने कहा बस मैं अभी तैयार होके आता हूँ। उधर असल ना अरबाब शहर से बाहर जा रहे, वो प्रोजेक्ट शुरू करे नया, और संभालेगा कौन भला हमारा खावर। हला अच्छा भाई, मुबारक हो पुत्र, शाबाश। जी अम्मा जी, बस हमने सोचा कि इसी खुशी में आपके लिए कुछ फ्रूट्स और मिठाई लेके आ जाएं। पुत्र इसकी की जरूरत थी, तेरा की ख्याल इधर कमी है फल फ्रूट की इस कार में है। हाँ खुशी से लाए नानी। ओए होए जी, आज तो बड़े बड़े लोग आए। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बड़ी प्यारी लग रही है, तुम भी? खावर तुम कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, बस नया प्रोजेक्ट शुरू किया ना, तो इसी सिलसिले में अम्मा जी से कुछ दुआएं लेने आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। वैसे मर्दों को ना ऐसी काम काज करना चाहिए, ये वेले बैठने वाले जो मर्द होते हैं ना, वो वैसे ही धरती पे बोझ होते हैं। अब तो आप कमाने लगे हैं, मैं तो कहती हूँ शादी कर लें। लो, ये तो शर्मा गया। वैसे शर्मो हया ना नेक लड़कों की निशानी होती है, कि जो पक्की पक्की शक्ल वाले लड़के होते ना वैसे ही जहर लगते हैं। नहीं अम्मा जी, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? आहो ठीक है, गल सुनो, महीर नु बुला के ला, बोल के समंत खावर आयो ने मेहमानों को आके मिले, वो क्या कर रहा है? जी बुलाती हूं। शाबा, तू किते बैठ रही है? जाके चाचा शायद बंदोबस्त कर, मेहमान आए ने, चल जा। हाँ पुत्र, ते फिर इधर ही रह के काम करोगे या किसी और शहर जाओगे? जी वो भाई ने अगर कहा तो बाहर जाना पड़ेगा, वैसे तो इधर ही हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही फरमाबरदार है हमारा खावर। हाँ क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, सौ बिस्मिल्लाह। अरे वाह माहिर साहब, क्या पर्सनालिटी पाई। थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच।
ये सारी लड़कियां ऐसे ही थोड़ी आपको पाने की तमन्ना करती हैं। लेकिन चांद हर किसी के नसीब में कहां होता है। सुधर लगता है ये रानियां भी मुझ पर फिदा है, तभी तो जानबूझ के बार बार मुझसे उलझती है, बात करने का बहाना ढूंढती है, तवज्जो हासिल करना चाहती है ना। मैं समझता हूं। आ जाओ बाहर आ जाएं। क्यों मेरे साथ कहीं बाहर जाने का इरादा है? बताया था ना मैंने आपको, मुझे कहीं आने जाने के लिए ना आपकी जरूरत नहीं। बाहर समन आप ही आई हैं और उनके ससुराल वाले भी आए, तो आके ना उन्हें थोड़ी सी इज्जत बख्श दें बस। या और भी कुछ पूछते हैं? तुमसे कुछ पूछकर मैं क्या करूंगा? फालतू बहस करना वक्त नहीं है मेरे पास, वरना तफसील से जवाब देती। अच्छा ठीक है, नहीं करता तुमसे बहस, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, ऐसे अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ मैं। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ना, झगड़ना, मेरे मामलात में मुदाखलत करना, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे? वो आपका नहीं है खबरनामा सुनने का, मेरे पास वक्त नहीं है। बाहर सब चाय पे इंतजार करें तो आ जाए। और हाँ सपना बहुत खुश है, तो अपनी जुबान जितनी कम इस्तेमाल करेंगे ना उतना अच्छा होगा। आई समझ, रंग में भंग ना डालना, ठीक है? आ जाए जल्दी से। ये भी एक अंदाज है। थैंक यू लमिया, क्या पर्सनैलिटी दी है। ओ जाके गल सुन, ओ जाके सीमा तो उसने बहन नु बुला के ला। सीमा बाद में कहेगी कि देखो मेरी बहन आई थी, हमने पूछा भी नहीं उसने। है अम्मा जी, वो दोनों बहने शॉपिंग करने गई हैं। शॉपिंग एक तो ना दी शॉपिंग नहीं मुकदी। अच्छा खावर पुत्र मैनु दस, वो दिल लग गया तेरा काम में? हमें तो दिल लगाना पड़ता है ना अम्मा जी, आप भाभी से पूछे मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे खावर, अम्मा जी बड़ा ही मेहनती लड़का है। अला बड़ा खुशकिस्मत है, रफीक अहमद है, देखो हुणे ही अभी अमीर होया है, ते बच्चे इतने बा अदब ते मेहनती हैं, कोई हमारे हालात दी तरह नहीं के। अच्छा अम्मा जी अब मैं चलता हूँ। तेरे ते सोने का टाइम हो गया होगा, चुप करके बैठ, मेहमान आए हुए ने, ख्याल कुछ तो ख्याल कर। राबेल पुत्र चाह बना के दे, चाह बना। राबेल बना लेगी, बना छोड़ तू, तू बना के देना, कुछ खुद भी ख्याल कर। पुत्र समोसा ले, गर्मा गर्म समोसा। पुत्र एक समोसा तो खा रहे। हुण गल सुन, हुण छेती जाने दी गल ना करी, अच्छा अपना घर समझ, बल्कि खाना खा के जाई आज। दादी इस घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप खाना पूछ सकती हैं। वो अपने चाचू जी तरह हमेशा अपने अपने आप का ही सोच रहा है। अम्मा जी मैंने ना अहद किया है कि मैं अपने कारोबार को इतनी बुलंदियों पर लेके जाऊंगा कि दुनिया मुझ पर रश करेगी। वाह सोचो भाई सोचो, सोचने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ चाचू सोच ही सोच में आप भी एक आधी फैक्ट्री लगा ही लो। चाय अच्छी बनेगी। नींद में हो गया? मेरा ख्याल है अम्मा जी अब तो मैं चलता हूँ। ओए होए। ओ अम्मा जी एक बिजनेस कॉल आ रही है, मैं जरा अटेंड करके आता हूँ। हाला हाला बिजनेस कॉल है तेरी, कम दी कॉल। आखो पुत्र आ। हेलो मोना, यहाँ क्यों बैठी हो? मूड कुछ ऑफ लग रहा है, क्या हुआ है? मैं वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी?
हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। माहिर ने मुझे बहुत मायूस किया है, इतनी पुरानी दोस्ती का भी उसने लिहाज नहीं किया, और तो और अपनी आंखें माथे पर रख ली और सब कुछ भूल गया। अब मैं यहाँ क्यों रुकूं? अरे अरे अरे, इतनी सी बात और तुम इतना जल्दी मायूस हो गई? माहिर ना इतना भी टेढ़ा नहीं है जितना लगता है। अगर उसे दोस्ताना अंदाज में प्यार मोहब्बत से समझाया जाए तो समझ जाता है। अच्छा तुम मुझे एक बार ट्राई करने दो। हाँ, बस तब तक मत जाना, रुक जाओ प्लीज। तुम उससे बात करोगी मेरे लिए? तुम उसको मना लोगी? अरे हाँ, मैं तुम दोनों को एक करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, कसम से। वजीर आजम बनना है मुझे, ये तो मेरे लिए छोटा सा काम है, बाएं हाथ का खेल है। बस तुम याद रखो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, तुम्हारे इस दुनिया में रानिया नामी एक दोस्त रहती है जो माहिर को तुम्हारा करके रहेगी। थैंक यू सो मच रानिया, तुम बहुत स्वीट हो। थैंक यू, ये तो वैसे मुझे पहले से ही पता था। क्या? यही कि मैं स्वीट हूँ। अच्छा लिसन, जब तुम जाओगी ना उससे मिलने के लिए, नहीं यार सालिक मैं नहीं आ रहा। दादी ने जो मीठे मीठे तंज के तीर चलाए हैं ना, क्या बताऊं यार, सारा मूड ही ऑफ हो गया मेरा। अम्मा जी ने तुझे बातें सुनाई, हैरत है। और सिर्फ बातें नहीं सुनाई है भाई, सबके सामने सुनाई है। लगता है रानिया के सामने बेइज्जती हुई तेरी। ये बात तुझे बुरी लग गई होगी है ना? यार तुझे पता नहीं उससे क्या बैर है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बहुत अच्छी लड़की है वो। छोड़ यार उस रानिया को। तो ये बता कि इफ्रा का गुस्सा ठीक हुआ? भाईजान ऑल गुड ऑल गुड। मैं कहता हूँ तू इस मामले में ना एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट तू ना बिल्कुल सही कहता था। ये लड़कियाँ तब तक नखरे दिखाती हैं जब तक हम इन्हें तवज्जो देते हैं, और जहाँ तवज्जो देना छोड़ दो दम कम हवा हो जाता है, छाक की तरफ बैठ जाती है यार। और रही बात इफ्रा की, भाईजान सारा गुस्सा वुस्सा ठंडा हो गया उनका, भाई के आगे पीछे घूम रही है। सब तेरी वजह से हुआ है, सही है? शुक्रिया, तूने मेरी बड़ी मदद की है भाई। भाई के मशवरे पे चलेगा तो हमेशा सी। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। चलो ओके, मिलते हैं फिर, सही है? कब तक मुस्कुराओगी? थक जाओगी? जो दिल में है वो कह दो। नहीं, वैसी कोई खास बात तो नहीं है, मैं तो ऐसे शुगर में आ गई थी। मैंने सोचा कि आप कमरे में सड़ रहे होंगे तो मैं आपको कंप्लेंट दे देती हूँ। अच्छा, वैसे मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोचा था। लो जी, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अरे नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें शैतान भी नहीं कह सकता। आपको पता है मैंने ना आपके बारे में बड़े गलत अंदाज लगाए थे, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। अच्छा, क्यों अंदाजा लगाया था आपने मेरे बारे में? मुझे लगता था कि आप ना खुद को बहुत तोप चीज समझते हैं, जबकि हैं कुछ भी नहीं, और नहायत ही बदजुबान, बदलिहाज, बकवास पर्सनालिटी आपकी। और मैंने तो फैसला कर ही लिया था कि इस कुत्ते के तुमको तो मैं ही सीधा करूंगी। इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहे हैं आप? बता रही हूँ ना, अंदाजे थे मेरे। बहुत मुबारक हो आपको, जिंदगी में पहली बार मेरे अंदाजे गलत हुए हैं, कसम से। भाई भाई, मौसम बहुत अच्छा है, इतनी ताजा हवा चल रही है, लॉन में चले, चाय भी पिलाऊंगी आपको। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर लॉन में चलूं? हाँ चले। ओके ओके। बेवकूफ लड़की, इसे लगता है कि इसका जादू चल गया मुझ पर। मैं इसकी मोहब्बत के नगमे गाने लगाऊं। ये लड़कियां किस कदर खुशफहम होती हैं। तेरे आने से हो याने बहारा, तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के। मिस रानिया, तुम्हारा मजाक तो मैं ऐसा बनाऊंगा ना कि सबसे मुंह छुपाती फिरोगी।
सारा दिन ओ यारा ओ तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा। छुट्टी की दरख्वास्त बखिदमत जनाब स्वीटी साहिबा, मुद्दबाना गुजारिश है कि फरवरी को और फिदवी को चंद रोज की छुट्टी चाहिए ताकि वो अपने प्यारों से मिल सके। आपसे आपसे दरख्वास्त है कि फिदवी को फिदवी की एक माह की रुख्सत कबूल फरमा लें जी। अब फकत आपका खादिम दबीर अहमद। लो जी, इतनी सी बात थी। और दबीरा तू एवं डरिया हो सर मेरे बादशाह। यह देख ये अब ये मैं स्वीटी जी के सरहाने रखूंगा। जैसे ही उन्होंने उठना है और मेरी दरखास्त पढ़नी है, उन्होंने यू करके साइन कर देने जहां भी दबीर याची कर। यस चल भाई दबीर, तैयारी कर ले, उतनी देर पता नहीं किस वक्त कबूलियत का वक्त आ जाए। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बाय बाय टाटा। कोई खास बात थी ना जो तुम इस खुशगवार माहौल में करने वाली थी? कैरी ऑन। मेरी तो हर बात ही खास होती है। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अब तो आपके दोस्तों के भी रिश्ते तय हो गए। सालिक और इफ्रा कितने खुश है ना, है ना? और दादी जान कितनी खुश है, क्यूट। और उनकी अम्मिया वो तो बहुत ही खुश है। हाँ ठीक है, जानता हूँ। तो फिर ऐसे ही मैं सोच रही थी कि आप क्यों नहीं अपने घर वालों को ये खुशी देते। ये तो बहुत जल्दी ही असली मुद्दे पर आ गए। नहीं नहीं, अब मैंने सोचा है कि अगर कोई मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा मैं उसे मायूस नहीं करूंगा, बल्कि उसकी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से ही दूंगा। हाय सच्ची, आप तो बड़े ही अच्छे निकले। मैं तो ऐसे ही इतने गंदे गंदे नाम दे रही थी आपको। जहरीला नाक, अड़ियल घोड़ा, जिद्दी खोता। अरे बस 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 बस, इतनी इज्जत काफी है। हेलो फरहाद, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आए हो? हाँ, कहाँ? आप ना बस यही इंतजार कीजिए, मैं इसको बच्चों के हवाले करके आती हूँ। हाँ यही रुकिएगा। मोना बात बन गई है, मैदान खाली है, जाके घेर लो। जहरीला नाग, जहरीली नागिन तो ये खुद है, गिलहरी बनके टुट निकल जाती है। ले मोना हटो यार। हाय, तुम्हें बंद आंखों से भी पता चल जाता है ना कि मैं आ गई हूँ। आजकल बहुत ही अहम मिशन पे हूँ, जिसके लिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के माहिर को माफ कर दिया, दोस्ती कर लिया इससे। हाँ, देखा ना मेरी बदुआ काम आ गई तुम्हें, आखिर तुम्हें मोहब्बत हो ही गई उसे। हैं ओए, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे, क्या हो गया? क्या मौसम कितना खुशगवार है ना। तो खुशगवार है, धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी लग रही है। यस, इसी धूप में तो अच्छी पिक्चर्स आएंगी हमारी। जाओ ना, वो दरख्त के साथ जाके तस्वीरें लो, बहुत अच्छी सेल्फी आएगी। जाओ जाओ। अच्छा क्यों यार, इतना प्यारा तो है। मुझे लगता है काफी लड़कियां मरती होंगी, जीती कोई नहीं होगी। मैं क्या करूं, मरतियां तो मरती रहे, मेरी ना सोच शादी से बहुत ऊपर तक की है। मैं कुछ पढ़ लिख के बनना चाहती हूँ, इस वतन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वेरी नाइस, तुम भी साथ चलो ना, अच्छी पिक्चर्स हो जाएंगी। तो मुझे नहीं जाना। क्यों देख रहे हो, पिक्चर्स तो यहाँ अच्छी आएंगी ना, यहाँ चलो। इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं तुम? सुनो, अब गैब का इल्म तो मुझे नहीं है ना, मुझे नहीं पता। लड़के के साथ ही बहुत कुछ रहते हैं,
पता नहीं क्यों। क्योंकि वो लड़का उसे बहुत खुश रखता है। अगर कोई मुझे भी इतना खुश करे ना तो मैं इससे भी ज्यादा खुश और ग्लो करती नजर आऊं। सुनो, अगर तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई है तो हम पिक्चर्स लेने के लिए जगह डिसाइड कर ले। यार तुम तो चुप करो। पता नहीं इतनी देर से हंस हंस के क्या बातें किए जा रहे थे। एक नंबर का छचोरा है ये लड़का, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। हाय अल्लाह, लेकिन तुम तो मुझे दोनों आंखों से भाते हो। जाओ यार तुम। सुनो, बाय भी बोल कर नहीं क्या? ओके बाय। आजा तन्नु अखियां। कितने स्लिप होने की तैयारी हो रही है? चुपके चुपके चोरी छुपे? नहीं नहीं स्वीटी जी, चोरी चोरी क्यों? मैंने वो कहा था, एप्लीकेशन लिख के दी है छुट्टी की दरखास्त। हाँ बिल्कुल यही लिख के दी है जी, बिल्कुल यही। नामंजूर नामंजूर, छुट्टी की दरखास्त नामंजूर। इतनी मेहनत। ये बैग जहाँ से उठाए आए ना, जाओ वहीं पे रख कर आओ। स्वीटी जी, इतने सालों के बाद अपनों से अपने प्यारों से मिलने के लिए एक दफा तो छुट्टी होनी चाहिए ना। नहीं तो मैं तेरी प्यारी नहीं है। 20 साल पहले मुझे फंसाते हुए, शादी का वादा करते हुए कहा था ना मैंने कि जो कुछ भी मैं कहूंगी मेरी मर्जी से करोगे। तो फिर आप एक काम करें ना, अपनी मर्जी से मुझे मुल्क से उठा कर बाहर फेंक दे, जिस तरह आप मुझे बेडरूम में से उठा के बाहर फेंकती है। बता ना फेंक दू है? मैं थाने में ना फेंक दू तुझे। एक फोन कॉल करके ना मैंने तुम्हारी कंप्लेन करनी है कि ये जाहिल आदमी मेरी कुट लगा रहा था। मजाक कर रहा था मैं तो स्वीटी जी, मजाक था। बड़ी जॉली है आप दबीर साहब। अभी बड़ी जॉली है, जॉली है, जॉली है आप भी बहुत बहुत। मजाक कर रहा था। दबीर इधर आओ। जी 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 जी, केस भी लेकर आओ। जी जा रहे हैं, जी जा रहा है जी, हूने आया जी, हूने आया। आपा जी, मुझे तो समन पुत्र ने बताया कि आपा जी याद कर रही हैं। मैंने खावर से कहा चल पुत्र नई वाली बड़ी गड्डी निकाल। आपा जी ने याद किया मैं फौरन पहुंचना है। तो एक और गड्डी ले ली है। जी अम्मा जी, इस बार ये मेरी मेहनत का नतीजा है। हला हला, चल फिर तेरी मेहनत दा एक मैं तेनू तोहफा देनी आ। रफीक अहमद देख, हुण मैं खावर नू पुत्तर सिर्फ आखनी नहीं आ, मैं इस दी दिल तो कदर करनी आ ते पुत्तर माननी आ। ऐसे ही वास्ते मैं सोच रही हाँ कि इहदा कोई ख्याल करने वाला होवे ना, जिहड़ा इहनू देसी घिओ विच देसी कुकड़ भुन के ते इसनू खिलावे ते इहदी कोई सेहत बने, जान बने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा जी। अंकल जी, चीनी कितनी चम्मच? अब पुत्तर 3-4 पा दे। ठीक। ते ऐसे वास्ते रफीक अहमद, बड़े सोच विचार बाद मैं फैसला किया कि मैं इहनू अपनी फरजंदी विच ले लिया ते इसका रिश्ता अपनी रबेल नाल कर दिया, जे तैन कोई इतराज ना होवे ते। हैं आपा जी, मैं कहीं जाग तो नहीं रहा? मेरा मतलब है मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आहो, ओ तू ते ए गल कदी सोच नहीं सकदा सैं। तदे ते मैं आप फैसला कीता है कि समण दे बाद ना मैं अपनी राबेल नू भी तेरे घर दी इज्जत बनावा। बहुत बहुत शुक्रिया आपा जी, बड़ा एहसान है आपका। ए जाना आपा जी से प्यार ले, दुआ ले। मां सदके मां सदके, जिंदा रहे जिंदा रहे मेरा पुत्र। जिंदा रहे जिंदा रहे। बस कर नहीं, इतना चमचा खोलेंगी ते शरबत बन जाएगी क्या? दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं पता है तू हमेशा रंग विच बंग बोलदा ते तू चुप ही रह, मैं फैसला कर चुकी हां। वो क्या है अम्मा जी, मैंने भी कुछ कहना है। तेरा तो मैंने पता है ना किस तरह दे मोती झड़ते ने तेरी जबान तो है।
तू अपने मियां नु जाके दस, सुते होए नु जगाओ, उसे जाके कह कि अम्मा जी ने एक और जबरदस्त फैसला करके हैट्रिक मुकम्मल कर दिती है। ते महीर कोई मिठाई शिठाई ले के आ भाई, असी मुंह मिठा कराइए इना दा। चल चल जा। आपा जी आपके जबरदस्त फैसले ने तो मेरे हवास मुअत्तल कर दिए। सारे रानिया बेटा जरा रावेल पुत्र को तो बुला दे। जी वो पड़ोस में गई है। वो क्या है ना कि आने वाली नहुस्तों से बेखबर पड़ोसियों के साथ हालात हाजरा पर तबसरा कर रही है। मैं बुलाती हूँ। उंगली तेरी वेखा केड़ी उंगली बिच आवेगी तेरे, ए वाली देर फिर चीची बिच आ जाएगी है। ए मुंदरी भाई मैं ते मुंदरी पा दीती मुंडे नू, हुण ते गल ही पूरी मुकम्मल हो गई है, मंगनी समझो है। अरे तो ये बुजुर्गों ने हमेशा यंग जनरेशन के जज्बात के साथ खेलना ही होता है, पता नहीं क्यों। तो यंग जनरेशन ने कौन सा बुजुर्गों से पूछ के ये कारनामे शुरू किए थे? नहीं करूंगी शादी खबर से। अम्मा जी ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तुम तो रोना बंद करो राबेल। कितने ख्वाब सजाए थे मेरे भाई ने। बस हो गया स्टार प्लस शुरू, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है। प्रैक्टिकल होकर सोचना जी? क्या करोगी तुम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रोने वालों में से नहीं हूँ मैं, और दोस्तों के लिए ना सर धर की बाजी लगा देती हूँ मैं। तुम्हें जो भी बाजी बाजी लगानी लगाओ, लेकिन प्लीज जल्दी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज सोचने दे। हाँ सोचो। सोचा कुछ नहीं? कुछ नहीं सोचा। अब सोचा नहीं? तुम क्या कर रहे हो? बैठो तो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। एक बात तो है, ये रिश्ता तो मैं नहीं होने दूंगी। लाइफ पार्टनर वो होना चाहिए जिससे आप पसंद करते हो, है ना? हाँ। राबेल तुम इसे पसंद करती हो? हाँ। गौर से देख लो। हाँ। तुम इसे पसंद करते हो? हाँ। प्यार है? हाँ। बस फिर तुम दोनों को ना मैं मिलवाऊंगी। मैं दादी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप उस खावर जैसे हवलनक लड़के को इस घर का दामाद बनाने का सोच भी कैसे सकती हैं? अरे ऐसे बच्चे तो सगे माँ बाप डिसोन कर देते हैं। दादी खुद सोचे, वो एलियन और इस घर का दामाद। दादी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं भरपूर एहतजाज करूंगा। बस कर वे, हवलनक लड़का। वो जो हवलनक लड़का है ना, तेरे से बेहतर बिजनेसमैन है, निहायत जिम्मेदार ते मासूम बच्चा, नाले अपने प्यो दे पैसियां ते नहीं पाल रहा, खुद कमाता है, नाले मेरे सामने सर नहीं उठाता। हमें ऐसे दिमाग चाहिए अपनी बेटियों के लिए जो हमारे नीचे दबके रहे, हमारी बर्तरी का तस्लीम करें, नाले हमारी बेटियों को हमेशा उनको कदर दें। अरे दादी ये कौन सी लॉजिक है? आपके कहने पे अरबाब भाई वाला कड़वा घूंट मैंने पी लिया था, लेकिन खावर नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा दादी, बस आपको अपना फैसला बदलना होगा। मैं खानदानी औरत हूं, मैं अपनी जबान से नहीं फिरती। ठीक है आप इनकी ना माने, लेकिन आप एक बार राबेल से तो पूछ ले, राबेल इस रिश्ते से राजी है भी या नहीं। मैं किसी से नहीं पूछने वाली, मैं फैसला कर चुकी हूं, बस गल मुक गई है हुण। अरे दादी दादी बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हैं आप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे समन की जब शादी हुई उस वक्त तो मैं छोटा था, मुझे अकल नहीं थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे भी दोस्त है, मेरा सोशल सर्कल है, सब मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि माहिर की क्लास देखो, उसका स्टैंडर्ड देखो, और उसका बहनोई वो एलियन जादू। राबेल भी राजी नहीं है शादी के लिए, और अगर राबेल राजी नहीं है ना तो मैं भी ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम नहीं होने दोगी? अच्छा क्या करोगी तुम? सिर्फ मैं नहीं आप भी मेरे साथ देंगे, हम दोनों उस खबर के घर जाएंगे और पहले उसे प्यार से समझाएंगे कि रिश्ते से इनकार कर दे, और अगर वो नहीं माना ना तो फिर हम धमकियों में उतर आएंगे,
तौबा भाई, इस जमाने में भी लड़कियों को बेजुबान जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी तय कर दी जाती है। जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, calm down, हम जाएंगे, ओके? वाह 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 साहब, क्या चाल चली है आपने। अरे वेलकम वेलकम, आइए बैठिए। अल्लाह रखी, ये जो साहब है ये मेरे साले हैं। और सलाम साहिब, सलाम बीबी जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह चांद सा। बस बस बस, स्टॉप स्टॉप, दोहों को ना यही ब्रेक लगा दे, इससे आगे ग्लव्स नहीं कहना। क्या मंगवाऊं आप लोगों के लिए? मैं एक कदर छत्तर मंगवा लो, ताकि बवक्ते जरूरत तुम्हारी पिटाई हो सके। अल्लाह रखी, दो कप कॉफी लेके आओ। अच्छा साहब, मेरी शुरू से ही आरजू थी कि मेरी जो साली हो बहुत ही मजाकिया तबीयत की हो, और क्या मजाक किया आपने, छितर। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं दाद देता हूँ। अरे साले साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप भी छेड़छाड़ करें, मैं माइंड नहीं करूंगा आपकी किसी बात का। क्या बात है, आज तो बिल्कुल सांप की तरह खेंचली बदली है तुमने, वरना तो ऐसे लगता था कि मुंह में जुबान ही नहीं है तुम्हारे। आप लोग पहले सिर्फ मेरे भाई के ससुराल वाले थे, तो अब माशाल्लाह से मेरे भी ससुराल वाले हो गए हैं, तो अपनाइयत सी महसूस हो रही है, यू नो, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया है। कने जो बात करने आए ना, जल्दी से कर दो बस। कौन सी बात? तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।